फिर ये है मेरी बीवी और फिर से है ये मेरी बीवी। देखने एक बार जरा। अरे टेस्टर मैंने ले लिया, मैं तो टेस्टर में ही खुश हो जाती हूँ बेचारी। मैं तो इनसे परेशान आ चुकी हूँ, आप ही लोग बताइए इनका मैं क्या करूँ। देख तो लें कितने सारे इधर, ये अभी तो इसमें से निकाले, इसके अंदर और भर के रखे हुए हैं। और ये वाले देख लो आप एक बार, ये वाले देखो, देखना इनके इत्र कलेक्शन ही नहीं खत्म हो रहा। हमारी अलमीरा भी पूरी भर चुकी है, पूरी भरी हुई। अस्सलामुअलैकुम, जैसे कि आप मुझे जानते हैं मेरा नाम है भूरा और मैं आपको बहुत पसंद हूँ, जैसे कि आप लोग मुझे बहुत पसंद हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रुशना नूर और जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो ये मेरा फेमस डायलॉग है और मेरी ये लाइन स्क्रिप्टेड है जो मैं बिल्कुल हमेशा डेली बोलती हूँ। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपके घर में सब खैरियत से होंगे और अगर आपके किसी के भी इंसान के घर में कोई भी परेशानी है, अल्लाह पाक उसकी परेशानी दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे चटना पड़ रहा है। अच्छा, चला आप ही पकड़ और दे। अगर अगर किसी के साथ कोई बीमारी है तो अल्लाह पाक उसको शिफा अता फरमाए। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए और अल्लाह उनके कब्र के अजाब को खत्म करे और अल्लाह पाक उनको। आमीन। अल्लाह पाक उनको सीधी खड़ी हो, पहले सीधी खड़ी हो, बिल्कुल सीधी, बदतमीजी नहीं, बचाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए। अगर आप लोगों के भी कोई छोटे बड़े चले गए हैं तो उनकी भी अल्लाह मगफिरत फरमाए और अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मुकाम नसीब फरमाए। हम लोग दुआ करें तो चलिए चलते हैं और सहरी की प्रिपरेशन करते हैं। कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही, बाजी ने सब लगा दिया पहले लो। और मैं जा रहा हूँ इस वक्त तहज्जुद पढ़ने के लिए। नहीं, अभी पहले खाना खा ले, फिर उसके बाद पढ़ लेना प्लीज। नहीं नहीं, तहज्जुद पढ़ूंगा उसके बाद खाऊंगा क्योंकि मेरा रूटीन खराब हो जाएगा, रहने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं एक वक्त पे अल्लाह के सामने, हमेशा अल्लाह के सामने एक वक्त पे पेश होता हूँ। पेश तो मैं हर वक्त होता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। अल्लाह ने ये जो पूरा दिन बनाया है ना 24 घंटे का, इसमें आप कभी भी अल्लाह के सामने पेश हो सकते हो क्योंकि अल्लाह कहता आओ मेरी तरफ, है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला मैं उसकी कबूल करूंगा, है कोई मुझसे तौबा मांगने वाला मैं उसकी तौबा भी कबूल करूंगा। और जब अल्लाह का बंदा, जैसे कि हम, जब अल्लाह का बंदा अल्लाह की तरफ उठ के चलता है ना तो अल्लाह पहले ही खड़ा हो जाता है उसका इस्तकबाल के लिए। सोचो कि अल्लाह के लिए हम कितने अजीज हैं, 70 माओ से ज्यादा अजीज ही बोला है मैंने, अजीज नहीं। हाँ, तो हम लोग कितने अजीज हैं कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। और हम लोगों के अमाल कैसे हैं कि हम अल्लाह की तरफ जाते हैं तो अल्लाह की अजान सुनकर, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अजान सुनने के बाद भी नहीं जाते। अल्लाह तो कहता है कि आप हमेशा इबादत में रहें, अल्लाह कहता है आप अपने घरों के अंदर खुश रहें, अल्लाह कहता है कि आप गुनाहों से बचें, आप जो बड़े बड़े गुनाह हैं ना, जैसे कि कबीरा गुनाह हो गए, जिना हो गया, शराब के मामले, अल्लाह इन सारी चीज़ों से, जो भी सारे गुनाह, इनसे अल्लाह पाक हमेशा तुमको दूर रखे। सिर्फ मैं ही हूँ जो शहरी में अभी बैठी हूँ, बाजी गई है अभी चाय बनाने के लिए शहर के लिए, ना बाजी चाय पीती है ना मैं पीती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ हमारे यहाँ के जो भी मेहमान थे सब जा चुके हैं और घर बिल्कुल सूना सोफ था, जैसे कोई रहता ही नहीं है, ऐसा हो गया है। देखा 1 बजे पहुँच गए और हमारा घर बिल्कुल सोफ तक खाली, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है, हम बस एक इधर कोने में, कोई इधर कोने में, बच्चे और सभी, ऐसा लगता था जब बिल्कुल रौनक थी माशाल्लाह से, बस मम्मी बच्चे और जैद जो हैं, जैद अपनी मम्मी को छोड़ने गए हैं घर, जैद कल तक आएंगे। बाजी ने चाय बना दी है, शैल अभी वजू कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। तो मेरा वजू हो चुका है तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमेशा वा वजू रहा करो, उसका हमारा फ़ायदा है। अगर खुदा ना खास्ता हमारी उस हालत में मौत आ गई तो आप दोजक की आग से बच जाओगे, ठीक है। आपने वजू किया, आप बिल्कुल पाक हो, पाक हालत में रहा करो। क्यों पाक हालत में? आप देखो एकदम से होता है ना, कभी कभी हम नमाज के लिए भी लेट हो जाते हैं तो हम फौरन एकदम, तो वावजू रहना चाहिए, वावजू से बहुत फ़ायदे हैं,
बुरी बलाओं से बचोगे आप, जो फालतू की बलाएं घूमती है ना रोडों पे, उनसे बचोगे आप। तो पाक हमेशा रहना चाहिए, और जब रात में सोना उस वक्त भी वजू करके सोना चाहिए, ठीक है। तो ये जनाब आ चुके हैं, और आज है उड़द गोश्त, जो मैंने खान के घर से मंगवाया, स्पेशली मटन कोरमा, आलू गोश, दूध, बाजी, शेल। मैं चलिए शुरू करते हैं सारी। और हाँ, शेल की चाय मैं दिखाओ, ये पता है कौन है? प्लीज चलिए, हम तो चल दिए बाहर अपने दोस्त के पास, और हमने अपनी बोतल उठा ली पानी की। तो अब जो अगली आवाज होगी वो रूशी की होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जो सैरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हम सबकी ही सैरी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी जो है आप लोगों ने भी सैरी कर ली होगी, आप लोगों का भी रोज़ा ही होगा। अभी आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं ये भी बताइए, और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपकी प्यारी सी फैमिली देख कर ना दिल खुश हो जाता है। और शेल भी आ चुके हैं, ये पानी की बॉटल लेके जाते हैं, देख लीजिए। तो चलिए अभी मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और आप लोगों से मिलेंगे सुबह इफ्तार के टाइम पे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 5:30 हो गए और मैं आप लोगों के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हो, अच्छे ही जा रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं किचन में, इफ्तार की प्रिपरेशन करते हैं। और आज हमारा घर बिल्कुल खाली खाली हो रहा है, शोर मचाने वाला कोई बच्चा नहीं है। तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं इफ्तार की प्रिपरेशन। अस्सलामुअलैकुम, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है बुहरा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे, और सबके रोजे मुकम्मल चल रहे होंगे, और सबके घरों के अंदर खुशियां होंगी। क्योंकि मैं अल्लाह से रोज दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक सबके घर के अंदर बहुत सारी खुशियां हो, सबके घर के अंदर बरकत हो, सबकी परेशानियां दूर हो। चलिए चलते हैं किचन के अंदर और देखते हैं कि हमारी मैडम और बाजी क्या कर रही हैं। यहां पर तो इन्होंने फ्रिज का भट खोल दिया सारा, और सारा का सारा सामान तीन तीन दिन पुराना ये लगा रही हैं, उसको गर्म करके फ्राई करेंगी। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है जी। नहीं, हम नया बिल्कुल फ्रेश बना रहे हैं, आप देख सकते हैं हम लहसुन छील रहे हैं। क्योंकि मैं नौरीन बाजी में भरोसा नहीं करता हूँ बिल्कुल भी, ये पुराना ही खिला देती है कभी कभी। नहीं बाजी, तो ये लगाते हैं यहाँ पर। बाजी पुराना कभी भी नहीं खिलाती, चाहे खुद खा लेती है। अच्छा हाँ, बाजी पुराना खुद खा लेती, हाँ मैं नहीं खिलाती। बोले तू चाहती नहीं है जैद भाई तेरे घर आए, जैद भाई तेरे घर आके ना करे, तू चाहती है बता दे कि जैद भाई फोन करके आते हैं। बताओ जैद भाई आ गए अपनी अम्मी को छोड़ के? तो बाजी ये चाह रही है कि मेरी मैं जो अफ्तारी गार्डन थोड़ी कम कट जाए भाई, औरतों के अंदर ये आलकस पता कब जाएगा यार। मैंने ना कमेंट्स पढ़े थे, वो कह रहे थे आप अपन आपके फैमिली में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, आप प्लीज इंट्रोड्यूस करा दो। अच्छा देखिए, ये तो है मेरी बीवी, फिर ये है मेरी बीवी, और फिर से है ये मेरी बीवी, क्योंकि दूसरी मेरी करने की हिम्मत नहीं है। मेरा जेंटलमैन बन जाएगा। और ये है मेरा भांजा, ठीक है, जो कि बिल्कुल हमारे साथ रहता है परमानेंट, हमारे दिल के करीब, मेरा भैया, ठीक है। और इधर है नौरीन बाजी, वो है मेरी सगी बाजी, मेरी सगी बाजी, मेरे पापा की बेटी, मेरी बहन, मेरी सगी बाजी नौरीन बाजी, समझ रहे हो? कितनी बार बताया, क्लियर करके बता रहा हूँ ना, पूरा सही से डालना ये, ठीक है। फिर उनसे छोटी, रुक जाओ, फिर उनसे छोटी आती है एक मेरी केकशा बाजी, वो है मेरे पापा की बेटी, मेरी बहन केकशा बाजी। फिर आती है मेरी उज्मा बाजी, मेरे पापा की बेटी, मेरी बहन उज्मा बाजी। फिर आती है सबसे बड़ी वाली बाजी, जिनका नाम है इरम बाजी, मेरे पापा की बेटी, मेरी बहन इरम बाजी। आई बात समझ? मेरा कोई भैया नहीं है, मैं अपने पापा का बेटा बूढ़ा, समझ रहे हो? समझ आ गई? एक लौता एक अकेला, आप समझ आ गई? और भैया ये मैं इसके घर में घर जमाई बन के ना रहता हूँ, ये मेरा ही घर है, आप लोग अपने दिमाग से टेंशन निकालो, ठीक है। एक अभी एक इंसान रह गए, देखो ये है मेरे पापा और मैं इनका बेटा, अब आ गई समझ? अब सबका क्लियर कर दिया हमने, सारे भाई बहन
पापा का। बाकी आप लोगों को पता है कि मेरी अम्मी तो आप अल्लाह के पास है। अभी मुझे मेरी गली के अंदर एक भाई मिले, उन्होंने मेरे हाथ मिलाया, मेरे बराबर में रहते हैं माशाल्लाह मुल्ला जी, उन्होंने हाथ मिला के मुझसे कहा कि इंशाल्लाह मैं आपकी अम्मी के लिए कुरान शरीफ पढ़ूंगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा आमीन सुम्मा आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था, एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, बट हमें तो कुछ एक या दो के ही कमेंट देख पाए। वो अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नॉन मुस्लिम है वो। उन्होंने एक कमेंट किया था कि भाई मुझे तो कुरान शरीफ नहीं पढ़ने आता, मैं आपके लिए कैसे दुआ करूं, मैं आपकी अम्मी के लिए कैसे दुआ करूं। तो मेरे भाई आप सिर्फ दुआ करें, अगर आप दिल से दुआ करेंगे ना, अल्लाह आपकी वो दुआ भी कबूल करेगा, बस आप दुआ करें। बाकी एक भाई थे जिन्होंने बताया कि उनकी भी अम्मी नहीं है, मैं उनके लिए भी दुआ करूंगा। हमारी इफ्तारी के लोग कम हो गए, उनकी वजह से तो हमें ज्यादा इफ्तारी मिल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग बैठ चुके हैं अफ्तार के दस्तरखान पर। माशाल्लाह से इन मैडम की तो एक वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कि एक वीडियो यूट्यूब की उसमें। और इधर जैद भाई, इधर बाजी हमारी दुआ कर रही है माशाल्लाह, उधर पापा। और आज देखो इन्होंने क्या क्या बनाया, दिखा। मेरी फेवरेट चीज वाटरमेलन, ये भी मैं खाता हूँ अच्छे से, ये थोड़ा कम खाता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं खाता कभी, कवारे का चम्मच ले ली। ये मेरे फेवरेट बिल्कुल ये रहे, ये आपकी वजह से बिल्कुल फेवरेट। और इधर आई मेरी फेवरेट मिर्च, और फिर उसके बाद हमारा ये सारा का सारा सामान। और ये देखिए शरबत इन्होंने बनाया, इन्होंने पकौड़ी बनाई। और जब अवतार हो जाएगा तो मैं खाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र अदा है मेरे मालिक। लोग आ जाइए जल्दी से, आ जाइए खा लीजिए, आ जाओ घर पे जल्दी आओ। आज तो कुछ अच्छे से लग रहे हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इफ्तार हो चुकी है कंप्लीट। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, आप लोगों से इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए।